और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज दुल्हन ने मस्त ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ है। एक एक लोग ना एक एक बार नहीं पीते हैं, चार बार पांच बार दस दस बार पीते हैं। तो आपको लग रहा होगा ऐसा की दावत में आए क्या? ये थोड़ी आएगी बुराई, लोग इतना देर फैन चल रहा है, सजावट तो काफी अच्छी है भाई। बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, बात खत्म हो गई यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल था बारात का दिन, तो हम कल गए थे बारात में, उसका फुल ब्लॉग हमने डाला है, जिसने ना देखा हो लिंक नीचे है जाके देख लेना। और आज है वलीमे का दिन, तो आज का फुल ब्लॉग देखना, मतलब वो भी देखना ये भी देखना, तो आप लोग को पूरी शादी वाली ये सीरीज समझ में आ जाएगी। तो कल हमने क्या क्या पहना आपने देखा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पहना है पहले वो आपको दिखाते हैं। तो शादी में आज ये 3 पीस 4 पीस 5 पीस जो भी है, हाँ जो भी है शादी में पहना। देखो शूज भी पहना, नया शूज है, हाँ। वो है शादी में सब है, हाँ तो ये पहना। और हमारे येल्लो वाला सूट पहना जो हम मोहम्मद अली रोड से लाए थे, और ये सैंडल, ये मम्मी के सैंडल लाए थे लेकिन इसने पहन लिया। देखो शेडिंग कर लिया और मेकअप वगैरह सबका हो गया है। और हमारी रुकैया का ये वही सूट है जो हमने वहाँ फिटिंग करने के लिए वहाँ देखा है, हमीम से जो हमने खरीदा था ना, फिटिंग नहीं हुआ था, तो फिटिंग होकर फाइनली ये भी आ गया है। तो ये है मम्मी का सूट इनकी, और मारिया का भी एक सूट उसने का वहाँ का है, हमीम का, लेकिन वो उसको बाद में पहनेंगे, आज ये पहनेंगे मारिया। तो टेलर के यहाँ जो मैंने शर्ट सिलाई थी, दो कल, एक तो मैं कल पहन के गया था, एक शर्ट ये है, और ये जींस मैंने खरीदा था, ये भी फिटिंग करके पहन लिया हूँ ये काफ़ी दिन बाद, मतलब थोड़ा फिटिंग की जींस मिल गई, थोड़ी ढील डाली लेकिन अच्छी लग रही है, और शूज तो पुराना ही है, बाकी सब काम चला हुआ हो गया अच्छा। तो किस आज भी बताना, आज आज किसका सबसे अच्छा ज्यादा? मेरा 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 किसका मेरा मेरा हैवी है, मेरा हल्का, उससे मतलब नहीं, अच्छा किसका लगा आप लोग बताओगे? मेरा मेरा। हाँ तो कल हम जो गए धारावी की शादी, दोनों धारावी की लड़की वाले भी धारावी के, लड़के वाले भी धारावी, लेकिन हॉल जो उन्होंने बुक किया था वो कुर्ला में किया था। तो आज वलीमे का दिन है, तो आज भी हॉल कुर्ला में बुक है, वाला हॉल नहीं है, हॉल दूसरा है, लेकिन कुर्ला में बुक है। तो हम लोग फिर हमको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर दूर है, कल भी हम लोग गए 30 किलोमीटर, और आज फिर जाएंगे, तो चलो चलते हैं। ये देखो दोस्तों, यही फिर यही करना पड़ता है, तो हम फिर से आज ऑटो में बैठ गए, कल भी हम ऑटो से गए थे और आज भी ऑटो से जाएंगे। ऑटो से कल हम गए थे, आए थे हम लोग कहाँ से, लोकल ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। सो गए देखो, ये देखो ये भी सो रही हैं, ये भी सो रहे हैं, देखो ये देखो। तो फाइनली हम लोग हॉल में आ चुके हैं, देखो यही है नूर मैरिज हॉल, और यहाँ कुर्ला में आप घुसोगे ना तो आपको लाइन से हॉल ही हॉल, देखो बहुत सारे 4-5 हॉल तो पीछे थे, सजावट तो काफ़ी अच्छी है। तो अक्सर हम लोग बहुत जल्दी पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ जाते हैं हम लोग जल्दी जाते हैं, यहाँ भी जल्दी आ गए हैं, लेट आए, जल्दी आए पता नहीं, हम लोग जल्दी लेट आए, अंदर जाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो इन लोगों को मैंने बोला कि हम लोग जल्दी आते हैं, तो हम लोग देखो यहाँ भी जल्दी आ गए हैं, पूरा भी खाली कोई है ही नहीं, एक दो बच्चे हैं बाकी कोई नहीं है, लगता है घर वाले भी नहीं आए अभी तक। हाँ सही है भाई, तो इधर लेडीज़ों का बैठने का, लेडीज़ लोग का देखो ये पूरा लेडीज़ का बैठने का सेक्शन है, और यहाँ पे खाने का पूरा टेबल वगैरह लगा है पहले से ही, और बीच में पेड़ भी लगे नकली वाले, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। तो अब जेंट्स वाले में चलते हैं, जेंट्स वाला जो है नीचे ही है, ये आगे नीचे है जेंट्स सेक्शन में, देखो ये जेंट्स का है, ये पूरा टेबल यहाँ से लेके देखो वहाँ तक लगा हुआ है पूरा वहाँ, और फैन देखो, फैन दिखा दो आप लोग, हटो ये तो ऊपर से लगे छत पे, लेकिन ये फैन, अरे वो फैन नहीं, हाँ ये वाले फैन हमारे हवे वाले, अरे बाप रे, तो बहुत तेज चल रहा है, ये थोड़ी आएगी बुराई, देखो इतना तेज फैन चल रहा है। तो नकली वाले पेड़ यहाँ भी लगे हैं देखो मस्त, और फैन बहुत सारे, 1 2 3 बहुत सारे फैन हैं। अच्छा दूल्हा बैठा बाद इधर फ्रेंड लोग बैठेंगे, और इधर क्या होगा, डांस वांस तो नहीं होने वाला शादी में, डांस करना भाई इतने को, हाँ कोट पहन के यहाँ डांस करना है, और यहाँ खाने का है, अभी खाना चालू हुआ नहीं है, हम लोग पहले आ गए, और ये जिनके घर की शादी है बाद में आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, चलो हाँ चलो, हाँ और लोग को लाने जा रहे हैं, हाँ लेके आ लेके आ, चल ठीक है। ये देखो अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे हुसैन भाई भी आ गए माशाल्लाह, और शूटिंग शाटिंग देखो, ये देखो ये भाई, देखो हमारी शूटिंग शाटिंग हसैन भाई की, ढूंढते डालते आ गए ये भी। तो हमारे हुसैन भाई यही धारावी सायन और कुल्ला में घूम फिर यहीं रहते हैं, तो आ गए, और हुसैन भाई आज उनके आने की खुशी में हम लोग सबसे पहले चाय पिएंगे। गुच्छी का छड़ पहने हुए हैं, डुप्लीकेट गुच्छी का, ओरिजिनल नहीं है ये, तो इनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा, जब भी हम लोग आते हैं इनसे जरूर मिलते हैं।
तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि दावत में आए क्या? आपको ऐसा लग रहा होगा दावत में आए? ये बड़ा महंगा लग रहा है यार। हाँ, बहुत महंगा लग रहा है। बहुत महंगा पहन के आज सारे वेटर लोग आ गए हैं। अब इनको पूरी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे मेहमानों का इंतजाम करना है, कैसे उनको उनका ख्याल रखना है। सारे वेटर को वार्निंग दे दी गई है कि मेहमानों को कैसे हैंडल करना है। अगर मेहमान की गलती है तो भी सुन के लो, मेहमान की गलती नहीं तो भी सुन के लो। ये नौकरी है बेचारे लोग की, देखो इस तरीके से काम करते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि वेटर के साथ हम अच्छे से पेश आएँ। बहुत लोग हैं जो वेटर को मतलब थोड़ा करके गुस्से से बात कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं। तो प्यार से वेटर से पेश आओ, जैसे हम वैसे वेटर। वो बेचारा देखो कैसा चिल्ला चिल्ला के सबको डांट रहा है, मुझे खराब लग रहा है थोड़ा सा। सही है, क्योंकि उसकी नौकरी की बात है, इसलिए चिल्ला रहे, सबको समझा रहे, नौकरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है, कल भी मैंने देखा था, वेटर लोग बहुत सुनते हैं बेचारे लोग। बड़ा हंसी मजाक कर अलग बात है, लेकिन गुस्से में या गाली से बात नहीं करने का वेटर लोग से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। अरे वालेकुम मरियम, ये मरियम और ये मरियम। तो आज रुकैया के पुराने सब दोस्त लोग, मतलब हमारे पुराने सब दोस्त लोग मिल रहे, देखो काफ़ी सालों के बाद अच्छा लग रहा है मिल के, क्योंकि सब धराई वाली शादी हो तो धराई वाले सब मिलेंगे, है ना। कल भी बहुत लोग मिले थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लोग मिलेंगे मुझे पता है। फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, कि जूस का गिलास ना छोटा छोटा क्यों होता है? ऐसा नहीं, एक एक लोग ना एक एक बार नहीं पीते हैं, चार बार, पाँच बार, दस दस बार पीते हैं। तो फाइनली दुल्हन भी आ गई, दिखा बिहार दुल्हन आ गई, देखो दिखता क्या है तुम्हें? हाँ, तो दुल्हन जा रही है अब वहाँ स्टेज पे, वो वहाँ दुल्हन बैठेगी। दूल्हा भी आ गया होगा ना नीचे? दूल्हा आया? दूल्हा नहीं, दुल्हन आ गई, दूल्हा भी आ रहा होगा नीचे बैठेगा, दूल्हा नीचे, दुल्हन ऊपर। सबको सबकी पड़ी है, इनको खाली खाने की पड़ी है, खाना स्टार्ट ही नहीं कर रहे हुसैन भाई, भूखे प्यासे बैठे बेचारे। आपको सही बता दूँ, वाकई में बहुत लेट हो गया, अब तक आधे लोग को खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गया है, 9:30 हो गए ना। बोल रहा था नाश्ता कर ले, तो नाश्ता नहीं। अरे नाश्ता कर लो, खाओ क्या फिर यार तुम? ये अप्पी आ गई, मतलब बबलू के बहन आ गई हैं। तो हम लोग का करीब 1.5 घंटे हो गए हैं, और घर वाले अब 1.5 घंटे बाद आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इंतजाम करने में टाइम हो जाता है, इनको उनको तैयार करना, आना जाना उसी में हो जाता है। चलो, तो टेबल सब लगा एकदम, सब कुछ रेडी है, लेकिन खाना स्टार्ट नहीं हो रहा है। खाना स्टार्ट हो तो बस ये लोग बैठे और खाए ना। तो अब खाना स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे पहले हम लोग बैठ गए, देखो सबसे पहले महफिल में हम लोग खाएंगे, साथ में हुसैन भाई और सारे छोटे छोटे बच्चे लोग। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग पहली महफिल में बैठे ना, बहुत दिन के बाद, क्योंकि बहुत देर से भूखे थे। तो अब सारे लोग देखो धीरे धीरे बैठ रहे हैं, देखो ये सब लग रहा है कि जेल से छोड़ा गया है। हाँ, जेल से छोड़ा गया है, क्योंकि सब इंतजार ही कर रहे थे बहुत देर से, काफ़ी लेट हो गया, 9:45 बज गए हैं। ट्रेन में प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक के साथ में एक टिश्यू और एक दांत खोदने वाली कांडी भी रहती है। तो इस कांडी को क्या करने का मालूम है? वो कांडी को ऐसा फोल्ड कर लेगा, ऐसा फोल्ड कर लेगा, ऐसा पॉकेट में रखने का, खाना खाने के बाद इसमें हाथ फिर फोल्ड ले लेगा। हाँ, समझ जाए चल रहा। सबको बैठे हुए करीब 5 मिनट हो गया, लेकिन बेचारे इंतजार कर रहे, खाना आएगा। देखो पूरी महफिल बैठी, खाना आया ही अभी तक, खास करके हमारे हुसैन भाई इंतजार कर रहे, खाना नहीं। तो चिड़ई कैसे, गांव वाली कहावत कैसे पता बताओ? हाँ, चिड़ई जान जाओ लड़कन के खिलौना, मतलब किसी को जान जा रही है। हाँ, तो चिड़ई को जान जाए लड़कन का खिलौना, मतलब जो चिड़िया होती है ना गाँव में, उसको मर जाती है, लोग ऐसे बच्चे लोग खिलाते हैं, लेकिन उसकी जान जाती रहती है। वही हाल यहाँ है, भूख के मारे सबकी जान जा रही है, खाना आ ही नहीं रहा यार। भाई बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, भात खत्म हो गई यार, सही में खाना नहीं आ रहा, 15 मिनट हो गए टोटल, क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं। इसमें मेरे दोस्त की गलती नहीं है, हम लोग मेरे दोस्त को मत बोलना, गलती किसकी वही नहीं पता, लेकिन लेट हो रहा है ना। माशाल्लाह भैया सबसे पहले हमारे टेबल पर सलाद लेके आए, देखो ये बिल्ला हो गया है, और स्टार्टर भी आ गया। तो स्टार्टर में 1, 2, 3, 4 तरह के कबाब हैं, इसके नाम तो मालूम नहीं क्या क्या है। फिर सालन में आ गया खीमा, और एक सालन ये पता नहीं मटर है चिकन है, क्या समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों बता दूँ, मेरा सारा स्टार्टर यही खाएं। हाँ, मैं खाता नहीं, आप लोग को मालूम है, सारा स्टार्टर मसक मसक के सब देखो यहाँ से निकाल के यहाँ से सब ये खाएं। हमारा खाना पीना हो गया, रात भी हो गई है, चल भाई घर के लिए निकलते हैं, थोड़ी देर बाद मैं फैमिली को लेकर निकलता हूँ। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी, तो अभी हम भी लेडीज के सेक्शन में भी खाने
खाने की टेबल लग चुकी है और हम लोग पहली टेबल पर बैठ चुके हैं। और यहाँ पे मेरी धरावी की पहले की एकदम पहले की दोस्त भी मिल चुकी है मुझे काफी सालों के बाद। तो अभी हम सब लोगों ने स्टार्टर से खाने की शुरुआत कर दी है। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेज पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज दुल्हन ने मस्त ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ है और आज तो दुल्हन काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पे फिर से फोटो सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दुल्हन अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ में फोटो खिंचा रही है। तो अभी यहाँ पे आ चुका है दूल्हा दुल्हन के पास। अभी दोनों जन साथ में बैठेंगे और फोटो शूट भी होगा। थोड़ा खाना खा के देखो जूता तले घूम रहे हैं ये। तुम्हारे बेटे साथ हमको जूता लेके गए और पर्स भी पीछे टांगी हुई है। और ये सब बच्चे इसको देख रहे हैं। देखो ये सब लोग को देख रहे हैं। तो कहाँ जा रही? अरे कहाँ जा रही? अरे कहाँ जा रही? पहले बताओ किसके लिए है ये? दुल्हन के लिए। दुल्हन को छोड़ो यार, तुम दे दो मुझे, मैं लेके जाता हूँ घर, समझो। दुल्हन को बहुत गिफ्ट आया है, मुझे एक भी गिफ्ट नहीं मिला, मुझे दे दो। नहीं नहीं चलो जाओ, देखो दुल्हन को जाओ। ठीक है, हाँ हाँ माशाल्लाह। ठीक है जाओ। तो ये हमारी प्यारी सब्सक्राइबर है, नाम बताओ तुम अपना। हाँ शीबा, तुम्हारा नाम? और आपका नाम? ये इतने देर से लेडीज वाले में बैठी थी, कोई परेशानी नहीं था। और वहाँ ऐसी आया, सारी लड़कियाँ सारी औरतें सब आ गए मिलने के लिए, क्योंकि मतलब मेरे बदल कोई इनसे भी सब मिल लिए। हाँ क्या अभी जल्दी वाला क्या बात है, तो कितनी भीड़ लगती है, औरतें सब भरी हुई। ये हमारी आगे देखो मैम, जूस लेके आई थी, हम लोग को जूस पीना था, तो मुझे मैंगो वाला पीना था, लेकिन इस बच्ची ने ना मेरा मैंगो वाला जूस छीन लिया। देखो ये ना इंसाफी है, मुझे ये वाला दे दिया। कौन सा है ये? पेरू वाला जूस है। चीटिंग। हाँ मतलब पहले हमला कर दिया तुमने। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो बराबर से आप लोग को दिखाई नहीं पाया। ये मेरा दोस्त है, ये भाभी है, और ये इनका एक लड़का है, और भी बच्चे हैं लेकिन अभी है नहीं यहाँ पे, तब यहाँ वहाँ बिजी हैं। तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग घर के लिए निकलते हैं, अब जाते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। 12 बज गया अभी, पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा भाभी, है ना, लेट हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है इंशाल्लाह। हाँ कभी भी फ़ोन करो, कभी भी आ जाएंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं, और कल वाली वीडियो भी आप लोग देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।